नमस्कार, आप देख रहे हैं नमन सत्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल शुक्ला। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है और ऐसे में अब सभी दल के नेता जनता को लुभाने की कोशिश में जुट चुके हैं। एक तरफ बीजेपी सांसद वरुण गांधी किसानों का समर्थन कर रहे हैं, दूसरी तरफ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत अब कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई। हालांकि जो आरएसएस है राष्ट्रीय स्वयं सेवक, वो हिंदुत्व की बात ज्यादा करता है, ऐसा बहुत कम देखा गया है जब आरएसएस प्रमुख ने हिंदू मुस्लिम भाई भाई कहा हो। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। इस बार उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री रही मायावती ने भी अपनी गलती एक तरीके से मान ली है। उनको एहसास हो चुका है कि उन्होंने पिछले कार्यकाल में जो गलती की है वो उनको ले डूबा था। शायद यही वजह रही कि मायावती अब उन गलतियों को दोहराना नहीं चाहती हैं। ऐसे में मायावती ने अब एक ऐलान किया है। मायावती ने कहा है कि अगर 2022 में वो बतौर मुख्यमंत्री बनती हैं तो पिछले कार्यकाल में जो गलतियां हुई हैं वो दोबारा नहीं दोहराएंगी। यानी कि नोएडा से लेकर लखनऊ तक जो उन्होंने जो सभी प्रेरणा स्थल बनवाए थे और उसमें एक जाति धर्म के विशेष की मूर्तियां लगवाई थी, यानी कि इसके साथ ही साथ अपनी पार्टी की एक विशेष जो हाथी का सिंबल है वो नोएडा से लेकर लखनऊ तक के पार्कों में लगवा दिए गए थे। इसके साथ ही साथ जो मायावती हैं, मायावती ने अपनी भी एक बहुत बड़ी जो मूर्ति है वो भी नोएडा के पार्कों में लगवाई थी, जिसकी गलती अब मायावती को लगती है कि हाँ पिछले कार्यकाल में कुछ गलतियां हुई थी। बहरहाल मायावती ने कहा है कि अब अगर वो मुख्यमंत्री बनेंगी तो इन गलतियों को दोबारा नहीं दोहराएंगे। लेकिन दूसरी तरफ मायावती ने दबी जुबान में ये भी कहा कि ये दरअसल जरूरी भी था, क्योंकि दलित लोगों को कोई पूछता नहीं है और उनके लिए इस तरीके का जो कदम उठाना चाहिए था वो उन्होंने उठाया था। लेकिन एक तरफ वो कह रही हैं कि दलितों को कोई पूछता नहीं है और ऐसे में वो कदम उठाना बहुत जरूरी था, दूसरी तरफ वो कह रही हैं कि अगर उत्तर प्रदेश 2022 में वो मुख्यमंत्री बनती हैं तो इन गलतियों को नहीं दोहराएंगी। आपको मैं बता देता हूं कि दरअसल जब 2007 से 2012 मायावती बतौर मुख्यमंत्री थी तो उनकी एक सीएजी रिपोर्ट निकल कर आई थी जिसमें ये निकल कर आया था कि उन्होंने लगभग 60 करोड़ के आसपास मूर्तियों पर पैसे खर्च कर दिए थे। और इसी दौरान जब ये मूर्तियां जब तक लगी नहीं थी तो ये पुलिस की चाक चौबंद निगरानी में रखे जाते थे। इन सब के बीच मायावती ने बहरहाल अब एक और बयान दिया है। मायावती ने कहा है कि हर विधानसभा में लगभग 1000 ब्राह्मण हैं, अगर वो फिर से मुख्यमंत्री बनेंगी तो ब्राह्मणों की जो दुर्गति है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। आपको ये भी बता दूं कि मायावती लगभग उत्तर प्रदेश में 3 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। ऐसे में साल 2002 में वो बतौर मुख्यमंत्री थी लेकिन ज्यादा दिन उनकी सरकार नहीं चली। उसके बाद 2003 में वो मुख्यमंत्री बनी, फिर उसके बाद उन्होंने 1997 में बतौर मुख्यमंत्री का पद संभाला लेकिन वो उस टाइम भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी। महज 2007 से 2012 एक ऐसा ही समय था जब मायावती ने अपना मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए अपने कार्यकाल को पूरा किया था। बहरहाल ऐसा लगता है कि मायावती अब कहीं ना कहीं जाग उठी हैं, क्योंकि पिछले लंबे समय से इस पंचवर्षीय में मायावती को कहीं देखा नहीं गया। ऐसा सोशल मीडिया पर लोग अब इनके बयान के बाद उनको ट्रोल कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि पूरे कोरोना काल में मायावती कहीं नजर नहीं आई। बावजूद इसके अब जैसे जैसे चुनाव आ रहे हैं तो मायावती भी निकलकर सामने आ रही हैं। देखना होगा कि मायावती का ये जो बयान है, ये जो वो उनका जो एजेंडा है वो जनता पर कितना सटीक बैठता है, क्योंकि मायावती को अब ऐसा लग रहा है कि हाँ जो प्रेरणा स्थल उन्होंने बनाए, जो उन्होंने स्मारक बनाए, जो उन्होंने मूर्तियां बनाई, वो कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता को पसंद नहीं आया, जिसके चलते प्रदेश की जनता ने उन्हें सत्ता की काबिज सीट से उखाड़ फेंका। बहरहाल अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा नमन सत्य न्यूज कैसा लग रहा है। धन्यवाद। We'll be right back.